चुनाव के समय घर घर जाकर वोट मांगना की नीति जो है वो आम है, जनता को उनके द्वारा हर कार्य किया जाएगा ऐसा आश्वासन नेताओं, पार्षदों और सरपंचों के द्वारा दिया जाता रहा है। पर चुनाव में विजय होने के बाद जिस जनता के द्वारा विजय प्राप्त हुई है उस जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर चाहे आम जनता अपनी समस्या को लेकर किसी भी नेता के पास जाए या फिर वार्ड पार्षदों के पास या सरपंचों के पास। इस तरह का एक मामला वार्ड नंबर 9 साइंस सिटी कॉलोनी जो कि बूढ़े बालाजी सकतपुर रोड पर स्थित है वहां के निवासियों का सामने आया। उन्होंने बताया कि हम अपनी समस्या को लेकर पार्षद, नगर पालिका, सीएमओ से लेकर सभी अधिकारियों के पास गए लेकिन हमारी समस्या किसी ने नहीं सुनी। हमें मिला तो केवल झूठा आश्वासन। वहां के रहवासियों ने बताया कि हमारी कॉलोनी में ना तो पार्क है ना ही गलियां हैं। बरसात के मौसम में घरों में पानी भर जाता है, खाली पड़ी हुई जगह पर पानी भरता है, गंदगी का जमावड़ा लगा रहता है। शायद हम और हमारे बच्चे बीमार होते हैं लेकिन देखने कोई नहीं आता। अब देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा आमजन की समस्याओं का कब तक निराकरण किया जाता है। क्रमांक 9, क्या समस्या है आपकी? पानी भर रहा है, ना नली है ना कोई निकास है। बरसात का पानी घरों में 10-10, 12-12 इंच भर गया था। ना कोई पार्षद आए देख रहे ना कुछ सुनवाई हुई। तो इसके लिए आपने कोई आवेदन दिया है क्या? दिया है, कईयों बार दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कहना है वहाँ से? यही कि अवैध कॉलोनी है, हम आए के तुम्हारे घर में, मतलब टोटल अपशब्द बोलते हैं, कोई संतुष्टि बात वाली बात कोई भी नहीं कहते हैं। तो आप अकेले गए थे या पूरे वार्डवासी? नहीं, सभी गए थे, मोहल्ले के गए थे, कम से कम 12-15 लोग से ज्यादा गए थे हम लोग। तो उसके बाद कोई जांच करने भी नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं। नाम है आपका? विशाल कुशवाहा। किस वार्ड के निवासी हैं आप? वार्ड क्रमांक 9 के। आपके पार्षद कौन है? अशोक, अजय ओझा जी। बताइए आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? ये देख तो रहा साहब, इसमें ना तो पानी का निकास है, ना सड़क है, ना नालियां हैं, कुछ भी नहीं है। घरों में पानी जा रहा है और नालियां बनवाने के लिए कलेक्टर के पास, कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो कुछ नहीं होगा, आवेदन दे आते हैं, सुनवाई हो जाती है, आते हैं देख के चले जाते हैं। तो इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती? कोई कार्रवाई की नहीं जाती, देखने भी नहीं आते। जो कहते हैं कि हम थोड़ी ना निकालेंगे, आप लोगों का काम है, आप निकालें पानी। तो पार्षद जी का क्या कहना है? पार्षद जी बोलते हैं कि अब मैं गया तो करवाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से नगर पालिका अध्यक्ष बोल देते हैं कि कोई काम नहीं होगा, ये अवध कॉलोनी, अवध कॉलोनी में कोई काम नहीं होगा। ऐसा किसका कहना है? अध्यक्ष साहब का, नगर पालिका अध्यक्ष का। अच्छा, वो कहते हैं कि अवध कॉलोनी है, इसमें कोई काम नहीं होगा। और वोटों के लिए तो कॉलोनी अवध नहीं होती है, वोट डल जाते उसके बाद कोई सवाल। कॉलोनी जो काटी गई थी किसके द्वारा काटी गई है?